नमस्कार, चंद्रानीस क्विजाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे एग फ्राई। तो एग फ्राई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 10 अंडे को बॉईल करके ले लिया है और हाफ हाफ करके काट के रख दिया है। और यहाँ पे मैंने फ्राई पैन रख दिया है। फ्राई पैन में मैं तेल डाल रही हूँ, रिफाइंड तेल। तेल हमारा गर्म हो चुका है। इसी तेल में मैं अब 1/4 स्पून मिर्च के पाउडर और पिंच ऑफ हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब सारे एग्स को मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा शेलो फ्राई करके निकालूंगी। और इसमें थोड़ा सा नमक मैं ऐसे डाल दिया है यहाँ पे। अब इसको मैं निकालूंगी। सारे अंडे को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है और फ्राई पैन में मैं और थोड़ा सा तेल डालूंगी। अब इसी तेल में मैं यहाँ पे 2 प्याज को बारीक काट के रखा था वो डाल रही हूँ। प्याज की कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, इसी टाइम पे मैं यहाँ पे डालूंगी 1/2 स्पून अदरक की पाउडर। यहाँ पे आप पेस्ट भी डाल सकते हो और 1/2 स्पून लहसुन की पाउडर। अब मैं इसमें डालूंगी टोमेटो सॉस। टी स्पून टमाटो सॉस मैंने डाल दिया है और डालूंगी 1/2 स्पून मिर्च की पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर और 1/2 स्पून कश्मीरी देगी मिर्च। हाफ स्पून काली मिर्च पाउडर। अब स्वाद अनुसार नमक, नमक इसमें ज़्यादा नहीं जाएगी, आप अपने हिसाब से डाल लेना। मैंने पहले भी थोड़ा सा नमक डाला था एक फ्राई के टाइम भी, तो इतना काफ़ी है। अब इसमें मैं 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें ये जो एग फ्राई करके रखा था इसको डाल रही हूँ। अब मैं लास्ट में डाल रही हूँ 1 स्पून के करीब कसूरी मेथी। और ये एग फ्राई हमारा बिल्कुल तैयार है। अब मैं प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। लीजिए, तैयार हो चुका है हमारा एग फ्राई। ये आप लोग स्टार्टर में भी सर्व कर सकते हो। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। और ये बनाना भी बहुत आसान है और 5 मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है। तो आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करके अगर अच्छा लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।